ना, अगला हमारा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। जैसे कि हमने देखा था कि साउंड वेव जब मूव करता है तो उसका इंटेंसिटी जो डिफाइंड है, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड बाय आई। जैसे कि लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव में हम लोग पढ़े, इंटेंसिटी जो डिफाइंड है इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलरली और नॉर्मली। तो इसका एक्सप्रेशन हमारा आया था जो ऑलरेडी हम लोग ट्रांसवर्स वेव में डिराइव कर चुके हैं, यह आया था 2 pi square mu square a square rho into v। ये हमारा एक्सप्रेशन आया था जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट था, और वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहां पर ये म्यू था वेव का फ्रीक्वेंसी, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, वी इज द वेव स्पीड। इस तरह से अगर वेव प्लेन प्रोग्रेसिव है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर वेव प्लेन प्रोग्रेसिव है, ये हमारा सोर्स है, तो इस तरह से ये सोर्स कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है और ये एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ऐसे मूव करता चला जा रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, जैसे ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो इसका इंटेंसिटी हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जैसे सोर्स है, ये वेव को यहां से टू एंड फ्रो जर्नी करा रहा है और ये वेव यहां से ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है और पार्टिकल जो है मीन पोजीशन के अबाउट ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। ये पार्टिकल पे हम जैसे फोकस कर रहे थे, ये पार्टिकल सिर्फ टू एंड फ्रो जर्नी कर रहा है, बट अपने को लग रहा है कि ये पूरा मीडियम एक जगह से दूसरे जगह मूव करता जा रहा है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रख दिया। अब यहां पर पॉइंट सोर्स क्या करेगा, ये चारों तरफ डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट करेगा। तो ये चारों तरफ जब एनर्जी जाएगा तो इसका इंटेंसिटी जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा, इंटेंसिटी इसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया जो एनर्जी होता है, एनर्जी तो सेम है बट एरिया क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, बट स्फेरिकल वेव का इंटेंसिटी जो है वो कम होता चला जाता है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली एक बार देख लेते हैं। तो हमने जैसा देखा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इंटेंसिटी जो होता है 2 pi square mu square a square rho into v, ये तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इंटेंसिटी है और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इंटेंसिटी हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट। इस तरह से स्फेरिकल वेव का अगर बात करें तो मान लो ये सोर्स है, इसका पावर पी है, इतना जूल पर सेकेंड ये रेडिएट कर रहा है चारों तरफ, मान लो पूरे स्पेस में चारों तरफ इतना जूल पर सेकेंड ये रेडिएट करता है, इमिट करता है। और अगर हम देखें कि यहां से आर डिस्टेंस दूर, तो आर डिस्टेंस दूर अगर हम देखेंगे तो आर डिस्टेंस दूर जो हमारा इंटेंसिटी होगा, दैट इज पावर डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। सो इंटेंसिटी हमारा हो जाएगा पावर ऑफ द सोर्स, और पावर हमारा वॉट में होता है, डिवाइडेड बाय एरिया मींस 4 pi r square। ये हमारा इंटेंसिटी हो जाएगा स्फेरिकल वेव का। तो इस तरह से हमारा इंटेंसिटी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इंटेंसिटी तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, बट स्फेरिकल वेव का इंटेंसिटी जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से एनर्जी जैसे जैसे ये वेव दूर जाएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया कम होता जाएगा। ना इंटेंसिटी से रिलेटेड, जैसे कि हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ वेव जो हमने लिखा, ए पॉइंट सोर्स एमिट, एक पॉइंट सोर्स है, ये अगर वेव एमिट कर रहा है तो ये चारों तरफ सोर्स है, ये पूरा स्फेरिकल वेव एमिट करेगा, तो इसका इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी इज पावर डिवाइडेड बाय 4 pi r square, ये इस वेव का इंटेंसिटी होगा। और ये हमें बताना है पी एंड क्यू आर द पार्टिकल एट 9, एक पार्टिकल है ये पी और एक दूसरा पार्टिकल है क्यू, जो कि यहां से 9 मीटर दूर एक सिचुएटेड है और ये यहां से 25 मीटर दूर सिचुएटेड। हमें बताना है कि यहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा और यहां पे एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है पावर, क्योंकि सोर्स का पावर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 pi square nu square a square rho into v। तो यहां से हम बोलेंगे कि पावर को हम लिख सकते हैं 8 pi cube nu square a square rho into v into r square। और अगर हम बोले तो ये कांस्टेंट रहेगा। अब इस वेव का अगर देखें तो क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, ये 8 पाई फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी और स्पीड सब कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि पावर इज कांस्टेंट, इज सम कांस्टेंट इनटू a square into
आर स्क्वायर, और हम यहां से बोल सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, क्योंकि पावर तो कॉन्स्टेंट है और ये सब बाकी सब चीज जो लाल सेंटर लाइंड है ये सारा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। सो हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी जो हमारा होगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सो यहां पर आर वन है हमारा 9 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे ए वन, यहां पर एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए वन है और यहां पर एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए टू, ए वन स्क्वायर इंटू आर वन, आर वन मतलब 9 स्क्वायर, ये आर वन हो गया इज इक्वल टू ए टू स्क्वायर, ए टू हमारा कितना है इस पॉइंट का सेकंड पॉइंट का एम्पलीट्यूड है ए टू स्क्वायर और ये डिस्टेंस 25 है तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर। तो हम यहां से बोल सकते हैं ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू 25/9, ये हमारा इसका आंसर होगा। नाउ ये हमारा अगला क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव फ्रॉम ए सोर्स पॉइंट सोर्स इज दिस, इंटेंसिटी हमें दिया हुआ है इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 इंटू 10^-8 वॉट पर मीटर स्क्वायर एट डिस्टेंस कितना, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम द सोर्स, ये 5 मीटर दूर इंटेंसिटी दिया हुआ, तो हमें बताना व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 25 मीटर। तो ये मान लो आर वन है तो यहां पर इंटेंसिटी हमारा आई वन है जो कि दिया हुआ है, तो यहां से 25 मीटर दूर R2 is equal to, यहां पर इंटेंसिटी मान लेते कितना है I2, तो हमें पता है पावर ऑफ सोर्स जो होता है ये जो पावर है दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू 4πr2, ये हमारा रिलेशन है क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट सोर्स का जो इंटेंसिटी होता है वो पावर डिवाइडेड बाई 4πr2 होता है, ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा था। तो हम यहां से बोल सकते हैं पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू 4πr2, तो यहां से और हम कंक्लूड कर सकते हैं आई वन आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आई टू इंटू आर टू स्क्वायर, क्योंकि पावर ऑफ सोर्स कॉन्स्टेंट है और 4π तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं आई टू बाई आई वन डेट इज इक्वल टू आई टू बाई आई वन हमारा हो जाएगा आर वन स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर, तो यहां से हम आई टू लिख सकते हैं यहां पर जो 25 मीटर दूर जो इंटेंसिटी होगा दिस इज इक्वल टू आई वन इंटू आर वन, आर वन हमारा कितना है 5 और आर टू हमारा कितना है 25 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा आई वन, आई वन हमारा हो गया कितना है 1 × 10^-8 डिवाइडेड बाई ये 5 और ये 25 कट जाएगा, 5² = 25, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 10^-10 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब यहां पर इंटेंसिटी अगर 1 × 10^-8 है तो यहां पर Q पॉइंट पे 25 मीटर दूर इस पॉइंट सोर्स से इंटेंसिटी जो हमारा हो जाएगा वो 4 × 10^-10 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द एडजेसेंट फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ ए कॉमन मीडियम पार्टिकल फॉर 2 साउंड वेव ए एंड बी प्रोपेगेटिंग इन द सेम मीडियम देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए एंड बी। तो हमें पता है कि ए का अगर हम बात करें तो ए का टाइम जो दिया वो आधे वेव का गुजरने का टाइम है 4/100, सो टाइम पीरियड ऑफ ए जो हमारा हो जाएगा ये आधे वेव का टाइम 4/100 है तो ये हो जाएगा कितना 8/100, ये हमारा ए का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया और ये हमारा सेकंड में है, टाइम बोल रखा है सेकंड में। एम्पलीट्यूड ऑफ ए जो होगा, ये ए का एम्पलीट्यूड जो है ये हमारा है 2 × 10^-2 मीटर, मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है। इसी तरह से बी का अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ बी जो है दैट इज इक्वल टू एक बी को वेव पल्स को गुजरने में 4/100, तो टाइम पीरियड ऑफ बी हमारा हो जाएगा 4/100। एम्पलीट्यूड ऑफ बी जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू, ये हमारा बी का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है दैट इज 1 × 10^-2 मिलीमीटर, ये हमें दिया हुआ। तो फ्रीक्वेंसी जो ए का हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/T है, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जो हमारा होगा 1/TB, ये हमें पता है। और इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है आई दैट इज इक्वल टू 2π²(ν²)a²ρ×v, क्योंकि मीडियम सेम है, मीडियम सेम है मतलब डेंसिटी स्पीड 2π² है तो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू
एम्पलीट्यूड स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए का, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बी का। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो है, यहां से हम वैल्यू सब ले आते उठा करके, यहां पर अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 1 बाई टी ए, तो ये हो जाएगा म्यू ए बाई म्यू बी इज टी बी बाई टी ए का होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है म्यू जो होता है 1 बाई टी होता है। सो म्यू ए बाई म्यू बी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी ए डिवाइडेड बाई 1 बाई टी बी एंड दिस इज इक्वल टू टी बी बाई टी ए। तो हमने डायरेक्ट म्यू ए बाई म्यू बी को टी ए बाई टी बी रख दिया। अब हमें पता है टी ए, टी ए का वैल्यू हमें पता है, टी ए जो है 8 बाई 100 और टी बी है 4 बाई 100, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी बी है 4 बाई 100 और ये है 8 बाई 100 इसका होल स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड ऑफ ए का अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मिलीमीटर और ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। तो यहां से जो कटता है ये 100 और 100 काट देते हैं, ये 10 टू पावर 2 और ये काट देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 2, तो ये हमारा हो गया 1 बाई 4 और ये स्क्वायर कर दिए तो 4 हो गया, और ये हमारा 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, तो ये भी कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ आई ए बाई आई बी दैट इज इक्वल टू 1:1, ये हमारा इसका आंसर, मतलब दोनों का इंटेंसिटी इस सिचुएशन में, दोनों का इंटेंसिटी ए और बी दोनों साउंड वेव का इंटेंसिटी बराबर रहेगा, सो इसका इंटेंसिटी का रेशियो 1:1 होगा। ना ये हमारा एक अगला क्वेश्चन है, टू सोर्स ऑफ साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, एक का इंटेंसिटी आई वन है दैट इज इक्वल टू आई और दूसरे का इंटेंसिटी हमारा 4i एट ए पॉइंट पी व्हेन यूज इंडिविजुअली। ये दोनों का इंटेंसिटी दिया हुआ आई एंड आई वन एंड आई टू, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, इफ दे आर यूज टूगेदर सच दैट साउंड फ्रॉम पी रीचेस पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस। अब ये दिया हुआ दोनों इंटेंसिटी के बीच फेज डिफरेंस, ये कितना है फेज डिफरेंस पाई बाई 4 और 45 डिग्री का फेज डिफरेंस। फाइंड द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन हमने जो ट्रांसवर्स में पढ़ा था आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाई, ये हमारा इंटेंसिटी का वैल्यू प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव का इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। तो हम लिख सकते हैं आई रिजल्टेंट, आई वन का मतलब हो गया आई और आई टू का मतलब हो गया टू सॉरी 4i प्लस 2 इंटू रूट ओवर आई इंटू 4i इंटू कॉस 45 मतलब 1 बाई रूट 2, तो ये हमारा आई रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा दिस इज 4 प्लस 1 5i प्लस 2 बाय रूट 2 इंटू हमारा हो जाएगा ये 2i, तो ये 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2, हमारे पास आ गया आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 2 इंटू आई, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, जब दोनों वेव एक साथ प्रोपेगेट करेगा और दोनों के बीच फेज डिफरेंस 45 डिग्री रहेगा, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। मतलब एक साउंड वेव यहां से ऐसे मूव कर रहा पी पॉइंट के लिए और ये यहां से कैसा मूव कर रहा पी के लिए, ये फर्स्ट साउंड वेव है और ये दूसरा साउंड वेव है, इन दोनों का अगर फेज डिफरेंस 45 डिग्री है और यहां पर इंटेंसिटी एक का आई वन और दूसरे का आई टू है, तो इस तरह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब दोनों वाइब्रेट करेगा तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 2 आई।